मद सुखिया सारे आओ। शुरू हुआ लो खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा, आओ खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा। कुछ सीखेंगे कुछ जानेंगे। शुरू हुआ लो खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा, आओ खेल तमाशा, देखो खेल तमाशा, खेल तमाशा, खेल तमाशा, खेल तमाशा, खेल तमाशा। भाइयों और बहनों, आज हम आपके सामने एक खेल करेंगे, एक तमाशा करेंगे। का करेंगे? तमाशा करेंगे। कुछ आपकी सुनेंगे और कुछ अपनी सुनाएंगे। आज हम कुछ गाएंगे, कुछ गुनगुनाएंगे और कुछ बतियाएंगे भी। हम ये जिंदगी के गाएंगे। फिर आओ भाइयों। हम मत वालों की टोली, हम मत वालों की टोली बैठकर खैनी बनाता रहता है, चना को बेचता है। चुप बुड़बक। अरे परो 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 परो, अरे हम काहे परे भैया, सब बेकार का राग है, कौनो दम नहीं है मां। अरे काहे परे हम, कौनो जोर जबरदस्ती है का? और नहीं तो का। अरे भैया, जब हमरे दादा परदादा नहीं न परे, हमरा माई बापू नहीं न परे, तो फिर हम काहे परे? खानदान का नाम मिट्टी में मिलाए काहे का? और नहीं तो का। अरे और फिर पढ़ लिख कर कहाँ हो जाए? आज कितना तान है हमरा, कितना ठोट से रहता है हम। हमरा जब जी चाहे हम अंगूठा पर शाही लगाते हैं और छोप देते हैं। और नहीं तो का। ऐसे अनपढ़ भैया, एक बात तुम जरूर कहना चाहेंगे, तुम चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन तोहरी बातों में बहुत ठसक है। कहते हो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा नेता भाषण दे रहा हो, एकदम मधुर टपकता है, टॉप टॉप टॉप, बड़ी बड़ी भारी भरकम बातें और नतीजा कुछ नहीं। अरे उहे तो, अरे तभी तो हम सोचे थे कि आज सच्चा तयन पा भैया। अरे यह ना कि अंगूठा छाप होवे की वजह से हम जिंदगी में भले ही कुछ ना बन सके, मगर नेता तो बन ही सकते है ना। अरे बातें ही तो करनी होते हैं, और बतियावे में भला हमरा का मुकाबला। हमरा आज का भाषण है भाइयों और बहनों, कह सकते हैं? कह दीजिए ना। हाँ, कहे में कह जाता है। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों। अरे किसी की बात नहीं है, जन जन की है बात। अरे किसी की बात नहीं है, जन जन की है बात। अनपढ़ता है निपट अंधेरा, साक्षरता प्रभात। ओ भाई
करना चाहिए कि वो वाला शादी न कैला बड़ा पार्टी कैला बमजी शादी न कैला बड़ा पार्टी कैला ऐसन बूढ़ा माद हमरा ढूंढ दिहल ऐसन बूढ़ा माद हमरा ढूंढ दिहल बाबूजी सत्यन जब पूछे बुढ़वा के लागेला बाबूजी सत्यन जब पूछे बुढ़वा के लागेला लाज के मारे हम बोली बुढ़वा दादा लागेला अरे भैया बड़ा गजब खबर छप गया अखबार में सुना है अपना राजा जी जो है ना रानी जी से एक बार फिर कह दिए क्या कहे चौपट भैया वे भैया जो सब अपना अपना जोरू से कहते हैं क्या कहे तनिक हमको भी बताओ टूट बोल बात तीन दिन से समझा रहे बुझबे नहीं कहता है अरे वे आई लव यू डार्लिंग का है कि एकरा नाम से जो है ना सबका दिलवा जो है धड़कने ना लगता है ए चुप ये तुम लोग का दिलवा धड़क रहा है कि राम खिलावन का गधा बोल रहा है अरे तनिक भैया प्यार से धड़काओ मधुरिया जैसा ढक 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 और बताएं और बताएं और बहुत कुछ छपा अखबार में बहुत कुछ छपा है जापान हिंदुस्तान रूस अमेरिका एक जो बात बोले लेटन टेटन हाँ बोल वो दुनिया जो है ना हाँ? एकदम पढ़ा लिखा लोग का है क्या अब जैसे कि हम पढ़े लिखे हैं अब देख लो हमारे कान में पेंसिल है देखो है ना हाथ में अखबार है देखो हाँ है? सुन लो ABCDEFGH फलाना धमाका और यस नो दैट इज द फाइनल यस बट 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 आई गो यू के टाटा सी यू बाय शुरू से फिर से बोलेंगे ABCDEFGH फाइनल ही अफगानिस्तान पाकिस्तान चीन जापान इंसान शैतान ठीक है उसके बाद है कि इडली बटाटा बड़ा दाल भात चावल कुर्सी तुर्सी हेन टेन फलना धमाका अंडरस्टैंड स्टैंड अरे भाई बस स्टैंड है बस स्टैंड हाँ हाँ वही हम भी वही बोलने वाले थे बस स्टैंड अरे हाँ अपना बिहार का चना मुरमुरा चना जोर गरम ये बेकार करा गई सब एकदम बेकार करा गए अरे लेटन टेटन हम तो ही कहते हैं कि चना का कैसा आशा कैसा भाषा कैसा किरण अरे चना केकरो का पढ़ना लिखना सिखाएगा हैं अरे हम तो ये भी कहते हैं कि चनवा से केकरो पेटवा भर जाए ना तो ये बहुत है खाओ पियो ऐश करो गुइया चलो अरे भैया जी आप मिल गए हमको आपसे बहुत जरूरी काम था तीन दिन से आपको ढूंढ रहे थे हाँ हाँ चौपट क्यों ढूंढ रहे थे एक मिनट हाँ वो का है ना कि हमको आपसे बहुत जरूरी एक काम है हाँ हाँ चौपट बोलो क्या बात है का है ना कि हमको आपसे आइयो सौरे पे चढ़ के बैठ गए प्राइवेट बात तो नहीं करने देते हैं हाँ भैया जी देखिए ना चिट्ठिया बांस दीजिए पढ़ दीजिए कहा है कि पढ़ दीजिए ना हम आपको तीन दिन से देख रहे थे क्या चौपट इस चिट्ठी को भी उसी तरह पढ़ लेते ना जिस तरह से तुम उल्टा अखबार पढ़ रहे थे उल्टा अखबार वो तो बस ऐसे धस जा रहे थे टाइम पास कर रहे थे आप पढ़ दीजिए ना कहोगे भैया जी काश चौपट ये चिट्ठी तुमने पहले पढ़वा ली होती शहर में तुम्हारे बड़े भैया रहते थे ना रहते थे का मतलब हमरे बड़के भैया रहते हैं ना नहीं एक सड़क दुर्घटना में
तुम्हारे बड़े भैया जाते रहे। आप फिर से देखिए ना, कुछ और लिखा होगा, फिर से देखिए ना। अफसोस है चौपट, लेकिन ये बात सच है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों भाइयों को ना पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती की, और उस गलती की सजा तुम्हारे बड़े भैया को मिल भी गई। लिखा है अनपढ़ होने की वजह से गलत बस में बैठ गए थे, और जब पता चला तो चलती बस में से कूद पड़े और लड़खड़ाकर बस के पहिए के नीचे आ गए। पढ़ के भैया नहीं रहे, पढ़ के भैया का देहांत हो गया। अभी 10 दिन पहले कहे थे कि हम जाके मिलेंगे। चौपट खुद को संभालो, चौपट खुद को संभालो, जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। और सुनो चौपट, पढ़ाई लिखाई का मजाक तो तुमने बहुत उड़ा लिया, अब कुछ पढ़ाई लिखाई हकीकत में सीख भी लो। जो हुआ उसका क्या कहना, काम की बात अब जान लो, सीख लो अब तो आखर पढ़ना, बात हमारी मान लो, बात हमारी मान लो भैया, लिखना पढ़ना सीख लो भैया, बात हमारी मान लो भैया, लिखना पढ़ना सीख लो भैया, बात हमारी मान लो भैया, लिखना पढ़ना सीख लो भैया, बात हमारी मान लो भैया, लिखना पढ़ना सीख लो भैया। भैया जी आज तक तो हम यहाँ से अंगूठे छापे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे, अब हमको पढ़ना, अब हमको लिखना, हमको खूब पढ़ना, हम जरूर पढ़ेंगे। पढ़का भैया हमको तोहार कसम है, हम खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। कभी खुशी और कभी गम, यही तो कहानी है जिंदगी की। हाँ, इंसान वो जो गलती करके सबक सीख ले। अब देखो अपना चौपट भी तो संभल गया एक ही ठोकर से। जो आखर की भाषा को नहीं पहचानेगा वो जिंदगी की भाषा को कैसे जानेगा। अच्छा तो इसी तरह का एक किस्सा और देखते हैं, अनपढ़ता और गरीबी, इन दोनों का तो चोली दामन का साथ है ही, लेकिन इससे ऊपर है तेजी से बढ़ता हुआ कुनबा, कमाने वाला बेचारा एक और खाने वाले 10-10। अब ऐसे में रोजगार के लिए बेचारा कामगार गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा तो फिर कहां जाएगा। अब देखो अपने गांव का इतवारी है ना, वो भी शहर जाने के लिए अपना बिस्तर बांधकर तैयार बैठा है। शहर जाए बिना और कोनो रास्ता नहीं फुलवा के बापू। अब और कोनो रास्ता होता तो हम ही फैसला ही काहे करते पगली। अरे तुम तो जानत हो कि कमाने वाला ठहरे एक अकेले हम, अरे कुनमा है कि बढ़ता ही जा रहा है। अब गांव की बीघा भर जमीन के सहारे तो जिंदगी ना ही कटेगी ना। हाँ ये तो तुम सच कहते हो फुलवा के बापू, जिंदगी काटने के लिए कोई तो जुगत लगानी ही होगी, मगर ये शहर। अब शहर के नाम से इतना काहे डरती है पगली, अरे शहर में भी हमरे जैसा इंसानी लोग बसते हैं। अब कौन शहर हवा तो है नहीं, राकस तो है नहीं जो हमको निगल जाएगा, चीर फाड़ देगा। ना हमार कसम है तोहार, जो फिर कभी ऐसी बात मुंह पर लाए तो। अरे तुम का जानो क्या गुजर रही हमारे मनवा में, ऐसे जैसे कोई आरी चला रहा हो छतिया पर। बस बुधिया बस, अरे ऐसे तो कमजोर हो जाएंगे हम, नहीं जा सकेंगे सर। अरे कोनो अपनी मर्जी से तो नहीं किया है ना हमने फैसला, अपने परिवार के लिए किया है, तुम्हारे लिए किया है बुधिया, तुम्हारे लिए किया है। हाँ मगर तुम पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, आखिर की भाषा को भी नहीं समझते, ऐसे में शहर की जिंदगी कैसे जियोगे बोलो। अरे बुढ़बक तू तो एकदम पगलाई गई है री। अरे तू क्या समझत है कि अनपढ़ अंगूठा छाप सिर्फ गाँव में होते हैं। अरे पगली अनपढ़ तो शहरों में भी होते हैं, अब भले ही घिसट घिसट कर सही लेकिन जिंदगी तो वो भी जी लेते हैं। अब जब इतनी जिंदगी बिना पढ़े लिखे गुजर गई
भाकी भी गुजर जाए। हाँ, ना तुम पढ़ लिख सके और ना मैं ही आखर की भाषा जान सकी। कागज पर कभी अपना लिखा आखर देखना तो नसीब हुआ नहीं। अगर कुछ देखा तो बस अपने अंगूठे की छाप देखी। फिर कैसे कहे ये अंगूठा छाप दिया, विदेश जाकर पाती जरूर लिखना। कैसे कहूँ अब पाती मन की, कैसे कहूँ अब पाती मन की, लिखना बलम जी हमार। विदेशवा में कैसे गुजरता है दिनवा, विदेशवा में कैसे गुजरता है दिनवा, कैसे गुजरती है रात। आखर की भाषा तुम भी न जाने, हम भी निपट हैं गवा। लिखना बलम जी हमार, लिखना बलम जी हमार, लिखना बलम जी हमार, लिखना बलम जी हमार। अब तो आप मानेंगे ना कि इतवारी और बुधिया थोड़े पढ़े लिखे भी होते तो खेती के साथ साथ अपनी जिंदगी को जीने का कोई दूसरा जरिया भी तलाश कर ही लेते। बल्कि यूं कहिए कि अगर पढ़े लिखे होते तो अपने कुनबे को इस तरह से बढ़ने ही ना देते और सब कुछ इस तरह से ना गड़बड़ाता। खैर, देर से सही, इतवारी को अपनी भूल का पता चल गया। जब वो शहर से लौटा तो साक्षर होने के संकल्प के साथ, और उसके संकल्प में बराबर की भागीदार उसकी जीवन संगनी बुधिया भी थी। दोनों ने पढ़ना लिखना सीखा, जिंदगी को जीना सीखा। अच्छा, ये भी मानेंगे आप कि निरक्षर की जिंदगी कुछ ज्यादा ही गड़बड़ा जाती है। अब निरक्षर राजा भोज हो या गंगवा तेली, दोनों का हाल एक सा ही होता है। चलिए जाने दीजिए, अब मैं आपको उन साहब के पास ले चलता हूँ जो वैसे तो अंगूठा छाप हैं। कहाँ हैं अंगूठा छाप, लेकिन ख्वाब देखते हैं देश का नेता बनने का। चलिए आपके साथ मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ उनका नेता बनने का ख्वाब पूरा हुआ या नहीं हुआ। कहो, कलवा की भैंस दूध नहीं दे रही? अरे अभी हमारा पास टाइम नहीं है, हम 6 घंटा के बाद आएंगे। हाँ भाइयों और बहनों, आज हम जो ये चुनाव जीते हैं ये हमारा नहीं आप सबका जीत है। और भाई सब लोग, हमारा चुनाव चीन अंगूठा की छाप पर अपना ठप्पा लगा दिया और हम जीत गया। मंत्री जी, आपका चुनाव चिन्ह और अंगूठे की छाप? अंगूठा की छाप यानी अंगूठा छाप। धन्य है नेताजी, आप तो धन्य है। नेताजी अंगूठा छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी अंगूठा छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे नेताजी, हम तो जाग गए हैं, अब आप भी जाग जाइए। हैं? नहीं तो ऐसा राजा की प्रजा का बेड़ा गर्क ना करेगा। आ उसके बाद जानते हैं कि प्रजा का करेगी राजा का? का करेगी जनता, जनता का करेगी? अरे बताओ भैया, का करेगी? राजा जी ओ राजा जी, 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 राजा जी ओ राजा जी।
तुम क्या पहचाने, पढ़े लिखे ना आकर जाने, जीवन को तुम क्या पहचाने। एक अंगूठा राजा जी, छाप अंगूठा राजा जी, एक अंगूठा राजा जी, छाप अंगूठा राजा जी। अरे नहीं भैया नहीं, अरे भैया अब तो हम भी पढ़ना लिखना सीखेंगे। अरे चमचम जाओ हमारे लिए पोथी कलम और दवात लेकर आओ। लाओ लाओ भैया जल्दी लाओ। आज से हम भी पढ़ना लिखना सीखेंगे। आज से हमारा नारा है अंगूठा हटाओ और कलम उठाओ। साक्षरता जिंदाबाद, जो आकर जाने जिंदाबाद, जो पढ़ लिख सकता क्या कहने, जो जो आगे बढ़ता क्या कहने, जो पढ़ लो भैया क्या कहने, जो आगे बढ़ता क्या कहने, जो आकर जाने क्या कहने। अब आप ही बताइए, जब जनता साक्षर होगी तभी तो साक्षर नेता का चुनाव करेगी ना। जनता अंगूठा टेक तो नेता अंगूठा टेक, हो गया ना बंटाधार। चलिए जाने दीजिए, बुधिया और इतवारी की कहानी कहां तक पहुंची ये आप जरूर जानना चाहेंगे। तो सुनिए, इतवारी और बुधिया खुद तो साक्षर हुए ही, लेकिन उन्होंने साक्षरता के मोल को समझकर गांव के लोगों को साक्षर बनाना शुरू कर दिया, उन्हें पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। खास तौर से इसके लिए बुधिया को जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। आइए चलते हैं, देखिए बुधिया आज किस मुकाम पर खड़ी है। राम 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 राम। आप सबने हमें यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या कहें, देखिए हम कोई नेता तो है नहीं जो भाषण देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब बुधिया को तो आप बस बुधिया ही रहने दीजिए, हमारे लिए तो इतना ही काफी। हाँ मगर एक बात जरूर कहेंगे, गरीब के पास अगर कोनो ताकत है तो ये ताकत आखिर की ताकत है, वरना भला एक अंगूठा छाप की क्या जिंदगी। जैसे ढोर मवेशी जिनावर होते है ना, जिसने जहाँ जिस तरफ हाँक दिया उसी तरफ चल दिए, अपना कोनो फैसला ही नहीं। अरे जो ना अपनी पाती पढ़ सके, ना ये जान सके कि साहूकार से कर्जा कितने का लिया और अंगूठे की छाप कितने पर लगाई, ऐसे इंसान की जिंदगी तो आज भी खुदा के भरोसे और कल भी खुदा के भरोसे। जान लीजिए जिंदगी की लड़ाई वही जीतते हैं जो अनपढ़ता की जंग को जीत जाते हैं, साक्षर हो जाते हैं, अनपढ़ नहीं रहते, अंगूठा लगाते नहीं अंगूठा दिखाते हैं अनपढ़ता को, निरक्षरता को। देखिए ऐसे कहावत है अंत भला तो सब भला, यहाँ इस गांव में भी आखर की लगन जाग गई। बुधिया को ही देख लीजिए, जब तक निरक्षर थी तो किस हाल में थी, और जब साक्षर हुई अपनी काबिलियत के बल पर तो दूसरों के लिए मिसाल बन गई। ये कहानी अकेली बुधिया की नहीं है, और ना ही चौपट की, और ना ही अनपढ़ अंगूठा छाप नेता की कहानी है, बल्कि तो हम सबकी जिंदगी की एक दास्तान है, या यूं कहिए कि एक सफर है, अनपढ़ता से पढ़ाई लिखाई तक का सफर। अगर हम निरक्षर हैं तो पढ़ाई लिखाई शुरू करें, और अगर हम साक्षर हैं पढ़े लिखे हैं तो दूसरों को पढ़ना लिखना सिखाएं, उन्हें साक्षर बनाएं। याद रखिए, देश में जब तक हर इंसान साक्षर नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब तक संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं होगा। तो आइए पढ़ना लिखना सीखते हैं, आइए खुशी का गाना गाते हैं, साक्षरता का गाना गाते हैं। ये अनपढ़ता बिल्कुल थोथी, आज का नारा कलम और पोथी। ये अनपढ़ता बिल्कुल थोथी, ये अनपढ़ता बिल्कुल थोथी, आज का नारा कलम और पोथी, आज का नारा कलम और पोथी, आज का नारा कलम और पोथी। क्या राजा क्या प्रजा जाना, आखर को ही जीवन माना। क्या प्रजा जाना।
पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से लड़ने वालों, ग घ ग घ को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, ग घ ग घ को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ इ ई को हथियार बना के लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना